हायाबुसा जेन 2 बेस फिट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट बढ़िया सा लुक आ रहा है। टोटल शूट दिखा देता हूँ, आगे से उठने को रेडी है बाइक। चला रहा हूँ इसको 100 के अंडर अंडर। अरे बाप रे, एक राउंड मारने ध्यान से देखिए। चलो भाई अब भूसा को चलाते हैं, लेके जाते हैं। हल्की सी हैवी है पर भूसा के साथ हम निकल पड़े हैं एक राइड पे। मेरे को ना मन कर रहा था चलाने का, तो मैंने कहा चलो भाई एक राउंड मार के हैं। और व्यू एंगल कैसा आ रहा है आप लोग ज़रूर से बता देना। भगाऊंगा ज़्यादा नहीं क्योंकि भाई अपनी बाइक नहीं है, भैया की बाइक है, पर रिस्पॉन्सिबली भगाएंगे। आगे से यू टर्न लेके आते हैं हल्का सा, थोड़ा ना बाइक को भी समझूंगा मैं। हल्की सी ना पीछे से मेरे को ना थोड़ी सी वैसी लग रही है, बहुत कंफर्टेबल है पर चलाने में, मतलब ऐसा नहीं लग रहा मेरे को, तो ऐसा लग रहा है कि यार इस बाइक को अगर रोड ट्रिप पे लेके निकल जाओ कितना मजा आएगा बंदे को चलाने में। ऊपर से ऐसा हो रहा है कि बाइक ना बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, लेफ्ट राइट भी नहीं हो पा रही है। मतलब जो है एक बारी को हवा के उसमें आ गई है ना, तो अब जो है एयरोडायनामिक्स इसके काम कर रहे हैं सारे। मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा क्योंकि भाई प्यारी बाइक है, फील लो 80, 90, 100 ऐसे ही चलाएंगे इसको, ऐसे करके चला। अरे 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 यार ये वाली थोड़ी ना अलग भाग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ना अपने हिसाब से चल रही है, मेरे हिसाब से नहीं चल रही। आलम भैया से मैं पूछूंगा ज़रूर, पर थैंक यू भैया आपने जो है ना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हाँ ठीक है एक राउंड मार के आ जाओ। मैं तभी ना इसको बहुत धीरे चला रहा हूँ, लेफ्ट राइट करने में भाई हैवी महसूस हो रही है, कंधों पे ना जोर जर्क नहीं आ रहा, पर पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ हैवी चीज़ चला रहा हूँ। मतलब 1300 cc अपने पैरों के नीचे, ओहो बहुत एक अच्छा फील आता है यार जब आप एक ना स्पोर्ट्स बाइक ऐसी बड़ी बाइक चलाते हैं, बिग बाइक्स। मतलब एक टाइम पे होता था, ड्रीम होता था कि यार ये बाइक कब चलाएंगे कब चलाएंगे, अब अपने भैया ही लोग हैं तो जो है बस रिस्पॉन्सिबल होकर निकाल जाते हम तो। मैं ज़्यादा कभी किसी की ना बाइक ना तेज़ भी नहीं करता, बहुत रेयर होता है। जैसे अब जो है लास्ट टाइम मैंने जो है चलाई थी भूसा जेन 3, तो उस बाइक का ना पिकअप बहुत फास्ट था और बाइक ना बहुत स्टेबल चल रही थी। ये वाली बाइक ना काफ़ी मतलब पता चल रहा है कि भाई हैवी है, अच्छी खासी है। ये देखो स्कूटी वाला मेरे को ओवरटेक कर जा रहा है यार, कोई बात नहीं। बाकी ऑडियो क्वालिटी अगर आ रही है तो ज़रूर से बता देना। सेकेंड्स में 100, सेकेंड में 80, सेकेंड में 100 पहुँचती है। मेरे को ये था यार थोड़ा ना फील लेके आना इस बाइक का। जैसे आलम भैया चलाते हैं तो आलम भैया भी ना फील लेते हैं बाइक का। उस दिन 900 आलम भैया ने चलाई, भैया कह रहे भाई मज़ा आ गया तुम्हारी वाली 900 चला के। मतलब ऐसे ही होता है कि यार ना बहुत कम होते हैं लोग होते हैं जिनको ना बाइक्स जो है ना मतलब बाइकों से प्यार होता है। सेम गोज विद अवर आलम भैया, बड़ी कंफर्टेबल बाइक है यार। इसको तो रोड ट्रिप पे ले जाने में जो मज़ा आएगा, बस ये कि ना ये लेह लद्दाख नहीं कर पाएगी अगर मैं लेह लद्दाख करना चाहूँ तो। बाकी आज का ब्लॉग ना मैंने ऐसे ही शुरू करा है रैंडमली, क्योंकि मेरे को भूसा चलानी थी और एक ओवरव्यू बनाना है आलम भैया का। वो वाला ओवरव्यू भी जो है ना आपको चैनल पे जल्दी दिखेगा। ये देखो रिस्पॉन्स, बस हल्का सा मेरे को ना समझने में थोड़ा, अरे यार हॉर्न बड़ा बेकार है। यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न। हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे कि ना इसका हैंडल थोड़ा सा हैवी है मेरे लिए, पर भैया को आदत है ना काफ़ी ज़्यादा तो भैया संभाल जाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाबा रे बाबा, ये तो भयंकर रिस्पॉन्स है यार इसका, ये तो गलत है, मेरे को इसने डरा रही है। भूसा जेन 2 लेजेंडरी भूसा। सो बॉयज यहाँ पर आप देख सकते हो हायाबुसा जेन 2 ब्लैक कलर, प्योर ब्लैक विद कार रेस फिट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। फुल सिस्टम तो नहीं है वैसे कह सकते हैं, स्लिप ऑन भी कह सकते हैं। आवाज़ इसकी थोड़ी ना मिनिमल है पर बढ़िया आवाज़ है। और मेरा कैमरा वर्किंग है, हाँ कैमरा वर्किंग है। आलम भैया की बाइक है, क्रेडिट गोज टू ऑटोमोटो कस्टम्स एके अपने आलम भैया। सामने भैया ने लगा रखी है DRL, उसके नीचे जो आप देख रहे हो तो यहाँ पर है फॉग लैम्प, डुअल इंडिकेटर्स, बहुत सुंदर सा लुक आता है। अगर आपको दिखा दो ना तो ये देख लो क्या बढ़िया सा लुक आ रहा है बाइक का। स्लाइडर्स लगे हुए हैं उसके साथ में, अगर आपको कुशनिंग दिखा दो ना सीट की तो ये देख लो
ये कुशनिंग है, टैंक पैड लगा, यार बहुत सुंदर बाइक है। नंबर हाइड कर दूंगा भैया का। रेस स्पीड का एग्जॉस्ट है तो एक बार आपको हल्का सा ना थ्रॉटल छूट दिखा देता हूँ। और ये जरा थ्रॉटल का जेद रखना जरा। तो चलो भाई इस बाइक पे एक ना छोटा सा स्पिन ले लिया जाए। वैसे तो मैंने आते समय भी ना व्लॉग बनाया है, निकलते समय रिस्पॉन्स देखो, आगे से उठने को रेडी है बाइक। भाई 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 ये तो भयंकर बन रहा है वो है। अरे अरे अरे, एक सेकंड, कुछ सेकंड्स लगे अगर मैं इसको ना स्ट्रेच, मैंने प्रॉपर नहीं लिया, मैंने नॉर्मल स्ट्रेच लिया, तो उस हिसाब से ना बाइक जो है सेकंड्स में जो है 150 मारने के लिए जो है रेडी है। और सामने से ऐसा है कि ये ना टेक ऑफ करने को रेडी हो रही है। हल्के से मैंने शीशे कर लिए एडजस्ट। हाँ बाकी मैं चला रहा हूँ इसको 100 के अंडर अंडर, प्यार से चला रहा हूँ, बाइक का फील ले रहा हूँ मैं। अभी काश कोई होता तो रोलिंग शॉट निकाल लेता बाइक के, बट फिर भी भूसा लवर्स वीडियो लाइक करना ज़रूर से। अभी वहाँ पे चल के ना इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू भी बनाते हैं। 140 ऐसी पहुँच जा रही है भाई। खुली रोड देख के मैं ज़्यादा भगाता हूँ, भगाता भी क्या, मैं जो है हल्का हल्का थ्रॉटल दे रहा हूँ इसमें। भाई 1300 सीसी है ना, रिएक्शंस देख लो ना तो भाई बहुत तगड़े तगड़े रिएक्शन मिल जाते हैं बाइक पे। अब भूसा यार भूसा है, आप ना कोई सी भी बाइक ले आओ, बट इस बाइक का जो एक वो है ना फील है, इस बाइक का जो एक ग्रेस है वो हर कोई जानता है। जो भूसा लवर है ना उसको तो भाई भूसा के अलावा कोई बाइक नहीं पसंद आएगी। लाइक अवर मासा ऑन भूसा। मैंक भैया को भी नहीं बाइक आती और कोई समझ, उनको भी भूसा ही समझ आती, कहते हैं कि भाई मेरे को भूसा ही पसंद है। भाई डाउन शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग बहुत सुंदर है इसकी, कंट्रोलिंग भी बहुत सुंदर है इसकी। अरे बंद कर दिया रास्ता। मजा आ गया। थैंक यू आलम भैया, इंस्टा पे आपको जो कोलैब में वीडियो भी डलेगा। जो इसको 80 की स्पीड पे चलाने का मजा है ना, बड़ा प्यारा। 70 पे लगा के बस ऐसे बैठे रहो, चलती रहती है अपनी सवारी। भाई कहाँ गया? ओ बढ़िया बढ़िया, पैर पे चढ़ा देते हैं। कौन आपका जो दोस्त लेके गया? कौन ले? भानुया। अरे एक और जो चला रहे थे वो भाई, तुम जस्ट मेरे सामने ला दी, नहीं हिलता था लड़ जाता। केवाईटी हेलमेट पहना था ना, वाइट वाला। देखना भी आएंगे जीनो से लेके। मेरा ही बड़ा भाई है। अरे मैं भूसा का राउंड लेने गया था तो मैं 60-70 चला रहा था इसको, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया आते आते। अपने साथ की नहीं है पर हुआ बड़ा भयंकर है यार। ना यार हम तो पीछे थे, हम लोग वीडियो शूट करते आ रहे थे।